नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में रक्त रंचित हुई गंगा, ड्रेजिंग मशीन से कटकर दर्जनों भैंस समेत दो चरवाहे की मौत, गंगा घाट पर मचा कोहरा। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जयंती पर निकाला गया जुलूस ए मोहम्मदी, सज्जाद अली सी ने मांगी मुल्क में अमन चैन की दुआ। जुलूस के दौरान भागलपुर में सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, पुलिस अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। फसलों की सुरक्षा के लिए खेत गए किसान की अपराधियों ने की हत्या, सोए अवस्था में मारी गोली। और अमरपुर में सड़क किनारे मिला जीजा साली का शव, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटे पुलिस। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में रविवार को बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मायागंज काली विसर्जन घाट पर एक बड़ी दुर्घटना होने से सनसनी मच गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रविवार को कुछ ग्रामीण चरवाहे भैंसों का चारा खिलाने के लिए गंगा पार कर दियारा इलाके में जा रहे थे, तभी पानी के तेज बहाव के कारण सभी भैंस गंगा तट पर लगे जहाज से टकरा गए, जिसके कारण इस हादसे में काफी संख्या में भैंसों के साथ चरवाहे भी जहाज में लगे ड्रेजिंग मशीन की चपेट में आ गए और इससे कई भैंस समेत कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे मायगंज और गंगा घाट पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल बन गया। वही मामले को लेकर प्रत्यक्षदर्शी प्रदीप यादव ने बताया कि वह भी अपने साथियों के साथ अपनी 22 भैंसों को लेकर चारा के लिए गंगा पार जा रहा था, तभी घटना के दौरान उनके सभी साथी ड्रेजिंग मशीन की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि करीब 7 चरवाहे दर्जनों भैंसों को लेकर गंगा नदी में गए थे, जिसमें से स्थानीय निवासी सिकंदर यादव, धीरज यादव, कारू यादव, गोपाल यादव, विकास यादव और प्रदीप यादव डूब गए। वहीं 5 चरवाहे और 10 भैंसों को एसडीआरएफ की टीम के प्रयास से बचा लिया गया, जबकि 2 चरवाहे कारू यादव और सिकंदर यादव समेत 2 दर्जन से अधिक भैंस कटकर बह गई। वहीं 2 चरवाहा और कई भैंसों के लापता होने की बात कही जा रही है। इधर इस घटना में अपने घर वालों और पशु को खो देने के बाद उनके घर वाले बदहवास होकर गंगा घाट पहुंचे और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर सदर एसडीओ धनंजय कुमार और 3 थाने की पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और एसडीओ के निर्देश पर एसडीआरएफ टीम ने तलाशी शुरू की, जिसमें कुछ चरवाहा और भैंस को बाहर निकाल लिया गया, जबकि लापता चरवाहों और भैंसों की तलाश जारी है। फिलहाल जिला प्रशासन इस पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। यहाँ से लोग भैंस के माध्यम से जो लोकल थे वो जाते थे पार करा के, शायद उधर चढ़ने वगैरह के लिए ले जाते थे। आज पानी में करंट ज़्यादा है और बता रहे हैं कि 25-30 से ज़्यादा की संख्या में ये लोग, मतलब भैंसों की संख्या थी और लगभग 8 लोग थे वो साथ में थे, क्रॉस कर रहे थे, बीच से एक स्टीमर भी क्रॉस कर रही थी। शायद पानी का बहाव तेज़ होने के कारण सभी भैंसें जो थी उसमें स्टीमर में जाके फंस गए। घटी 6 लोग अभी तक बाहर आ चुके हैं, 2 लोग अभी तक एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, अभी तक नहीं मिले, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा, उसके बाद ही बता पाएंगे। कितने पशु की मौत हुई है सर? पशु की संख्या अभी तो एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन 20-25 के करीब में ऐसा सूचना मिल रहा है। हमारा 22 भैंस में 2 भैंस आया, 20 भैंस चला गया जहाज के अंदर। जहाज बोला कहे जहाज हटाने के लिए बोला कि नहीं। कहाँ लेकर के जा रहे थे? कहाँ ले जा रहे थे? अपना खेत में जो है ना ऊपर में, वहाँ सोचे कि जाके बतौन दे देंगे, वहीं चराएंगे। कितने लोग थे? लोग थे 7 गो। 7 गो में 5 गो ऊपर में, 2 गो चला गया। कौन कौन था, नाम बताइए। अच्छा, अब भैंस कहाँ लेके जा रहे थे? भैंस वहाँ जा रहे थे अपना खेत में। फिर क्या हुआ? फिर क्या, दीरा जा रहे थे तो जहाज वाला को जहाज ही आगे बढ़ा दिया, जहाज को डेली जाते थे लेकिन वो जहाज को कहे उसको पीछे करने के लिए वो नहीं किया, तो भैंस मानता था हम पीछे थे, भैंस हिल गया। टक्कर हुआ क्या? टक्कर हुआ यानी 2 लोग लापता है ना? दोनों का क्या नाम है? सिकंदर यादव, कारू यादव। सबका
पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जयंती पर रविवार को जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। भागलपुर में निकाले गए जुलूस की अगुवाई धार्मिक उलेमा और विभिन्न कमेटी से जुड़े लोग कर रहे थे। वहीं शहर के अलग अलग मोहल्लों से निकाला गया जुलूस स्टेशन चौक, ततारपुर, सराय, खलीफाबाग, फिकनपुर, बहरापुरा, शाहजंगी और कोतवाली चौक होते हुए मुल्लाचक स्थित खानकाह शहबाजिया पहुंचा। इस दौरान ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाले गए जुलूस ए मोहम्मदी में दिलकश तरानों की धूम रही। इस दौरान कुछ लोग अरबी लिबास और हाथों में तिरंगा के साथ इस्लामी झंडा लेकर गुजरते दिखे, जबकि युवा नात ए पाक की धुन पर झूमते चल रहे थे। वहीं जुलूस का स्वागत खानकाह शहबाजिया में गद्दी नशीं सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी ने की। बारहवीं शरीफ के मौके पर खानकाह आलिया शहबाजिया में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसकी अध्यक्षता सज्जाद नशीं सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी ने की। इधर शाहजहानी मस्जिद परिसर में सामूहिक रूप से विशेष दुआ की गई, जिसमें सज्जाद नशीं ने विश्व में शांति, खुशहाली, आपसी भाईचारा बनाए रखने की दुआ मांगी। इसके पूर्व उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब की यौमे पैदाइश पर कुछ पंक्तियां पढ़ी, जिसे सुनकर लोग झूम उठे। बता दें कि बारहवीं शरीफ के अवसर पर खानकाह में कदम रसूल का गुसुल, शाहजहानी मस्जिद में मुए मुबारक और गिलाफे काबा का दर्शन भी श्रद्धालुओं को कराया जाता है। बारहवीं शरीफ के मौके पर भागलपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से मोहम्मदी जुलूस निकाला गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे, जबकि जुलूस का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। ततारपुर चौक पर सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एएसपी शुभम आर्य, ततारपुर इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस पदाधिकारी, जवान और शांति समिति से जुड़े लोग मौजूद रहे। मियां साहब मैदान से निकाले गए जुलूस में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों एवं सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। वहीं जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट के साथ अतिरिक्त बल की तैनाती की गई थी। हालांकि भीड़ और यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बिहार में बेखौफ अपराधी सरकार और प्रशासन को चुनौती देते हुए अक्सर हत्या और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने में लगे हैं। ताज़ा मामला भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया का है, जहां अपराधियों ने कथवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत पचगछिया टोला के बासा पर सो रहे 55 वर्षीय नागेश्वर सिंह की हत्या गोली मार कर दी। वहीं घटना की जानकारी घर वालों को बासा पहुँचने पर रविवार को मिली, जहाँ मृतक खेत की रखवाली करता था, जबकि हत्या की खबर ही घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद मामले की जानकारी मिलने पर कदवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। जबकि घटना के बाद नवगछिया पुलिस और कदवा पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं नागेश्वर सिंह के परिजनों ने बताया कि शनिवार की रात मृतक घर से खाना खाकर सोने के लिए घर से कुछ दूरी पर स्थित बासा पर गया था, तभी कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी थी। लेकिन किसी से दुश्मनी नहीं होने के कारण घर वालों ने ऐसी घटना की कल्पना नहीं की थी। जबकि रविवार की सुबह घर वाले बासा पर गए तो वहां नागेश्वर सिंह का शव पड़ा था। बता दें कि पिछले एक महीने में अपराधियों द्वारा गोली मारकर चाकू से गोद कर 10 से अधिक हत्या की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। अमरपुर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया गांव में सड़क किनारे एक व्यक्ति और एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक व्यक्ति की पहचान नजोन थाना क्षेत्र के कठौन गांव निवासी देवानंद उर्फ करण के रूप में हुई है, जबकि मृतिका की पहचान कुल्हड़िया गांव निवासी ममता कुमारी के रूप में हुई है। दोनों पुरुष महिला रिश्ते में जीजा और साली बताए जा रहे हैं। जबकि घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शनिवार की मध्यरात्रि कुछ लोग ई रिक्शा से दोनों के शव को कुल्हड़िया चौक पर छोड़कर फरार हो गए थे। वह मृतक देवानंद की पत्नी सीमा देवी ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर वह काफी दिन से अपने पति से अलग रह रही थी, जबकि करीब 4 महीने पहले ही उसके पति देवानंद उसकी बहन ममता कुमारी को भगाकर दिल्ली चला आया था और उसके साथ मारपीट कर उसे घर से भगा दिया था। सीमा देवी ने बताया कि इसके बाद वह भागलपुर शाकचक में रहकर अपना जीवन यापन कर रही थी, लेकिन 2-3 पहले ही उसकी बहन और पति उसके पास आया और दबाव बनाकर उसके पास ही रहने लगा। बताया जा रहा है कि सास दुलारी देवी, ससुर भविष्यन दास और भैसुर देवासी दास शनिवार की देर रात कुलड़िया चौक पर उसके पति और बहन को छोड़कर फरार हो गया। हालांकि अब तक मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है, जबकि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या नाम है आपका? सीमा। लड़का कौन है आपका? मेरा पति दा। और ये लड़की? बहन दा। क्या नाम है पति का आपका? देवानंद दास। और बहन का?
हुआ इनका ममता दीदी। क्या हुआ इनके साथ जो इनकी मृत्यु हुई? कुछ ना, ऐसे गया था, लगा था हम बीमार थे दिल्ली में, तो मेरा बहन को लेगा और फिर हम सही हो गए, बोले कि बहन को वापस कर दो मम्मी पापा के पास, लेकिन मेरा आदमी ना सुना, बोला कि अच्छा तुम ही चल जा, हम इसको याद, हम गुस्सा से मारे से भागलपुर आ गए, अकेले दोनों बच्चा को लेके। लड़का लड़के के साथ है, लड़की का जो है ना पहले शादी विवाह कहीं और किए थे, इस लड़के ने उसके साथ जो है ना दूसरा शादी कर तो इसको वहाँ से भगा करके कठौन से एक बार की लड़की के साथ शादी किया, शादी करने के बाद हम छोड़ दिए, उसके साथ दो लड़का हुआ, करीब 5-7 साल बीत गया, 5-7 साल के बाद जो है फिर इस लड़की को ले करके वो दिल्ली चला गया, वो अपने पत्नी को, जब पत्नी को दिल्ली में छोड़ करके फिर वहाँ से जो है ना दिल्ली जाने के बाद 1-1.5 महीने के बाद फिर इसको भी भगा कर ले गया, इसको भगा करके ले जाने के बाद हम यहाँ पे केस्ट होके कोर्ट में अमरपुर थाना कोर्ट रजौन सभी में केस हुआ है इसका, उसके बाद जो है यही उसके पास कागज पत्र जाता होगा, इसी में इसको परिवार बुलाया, परिवार बुलाया तो कल दिल्ली से आया है, कल घर गया था ये लोग कहाँ कठौन नहीं नहीं, नहीं आपके यहाँ नहीं, नहीं आया। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है, पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है, यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनरवा रेस्टोरेंट में, कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड मल्लागुड़ी सिलीगुड़ी। होटल अपोलो, हियर एवरी क्यूबिक स्पेस इज अ मिरेकल। जावेद हबीब प्रो अकेडमी एंड सैरून कचेरी चौक नियर भापा होटल एट अत्यावती टावर सेकंड फ्लोर। आपको हमारे यहाँ पर एडवांस सर्विस, एडवांस नर हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, स्ट्रेनरिंग, रिबॉन्डिंग, कैरेटिन, सिस्टीनोड हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट, और यही नहीं एडवांस ब्यूटी में आपको इंस्टा मैनिक्योर, पेडिक्योर, अल्ट्रासोनिक, हाइड्राफेशियल ऑल्सो, मेकअप में भी आपको एसटी एयरब्रश, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब अकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ की ऑनर मिसेस सुधा पांडे हैं, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है बढ़ते वक्ली खबर की ओर।
पीरपैती प्रखंड के ओलापुर पंचायत स्थित मधुबन टोला निवासी विंदेश्वरी यादव के 32 वर्षीय पुत्र अभय कुमार की मौत मीराबाग फुजैरह यूनाइटेड अरब दुबई में शुक्रवार को हृदयघात से हो गई, जिसकी सूचना मृतक के दोस्त ने शुक्रवार की सुबह परिजनों को फोन पर दी। वहीं इसको लेकर परिजनों ने बताया कि मृतक अभय कुमार दुबई की एक कंपनी में ड्राइवर के रूप में काम करता था, लेकिन उसकी मौत के बाद कंपनी के लोगों ने परिजनों से संपर्क नहीं किया, जबकि मृतक के परिजन अभय का शव स्वदेश लाने की गुहार लगा रहे हैं। सर कि किसी तरह हम लोग का बच्चा मिल जाए, उसका डेथ पत्री हम लोग अपना उसको देख ले, अंतिम दर्शन कर ले कम से कम। हम लोग कहाँ पे गए थे कमाने? दुबई गए थे कमाने। दुबई कितने सालों से वहाँ थे? करीब 6-7 साल से वहाँ काम कर रहे थे, इसी बीच में आता जाता भी था। क्या नाम था? अभय कुमार। भागलपुर सुल्तानगंज के खानपुर पंचायत रसीदपुर गांव के हाई स्कूल प्रांगण में श्रम संसाधन विभाग के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का नेतृत्व श्रम संसाधन विभाग के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अभिनव आलोक ने किया। इस दौरान शिविर में 16 महिलाएं एवं पुरुषों को श्रम संसाधन विभाग के द्वारा लेबर कार्ड का प्रमाण पत्र वितरण किया गया, जबकि विभाग के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अभिनव आलोक ने सभी श्रमिक मजदूरों को श्रम संसाधन विभाग के 16 प्रकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इसका लाभ लेने की बात कही। मौके पर हेमंत कुमार, शिव नारायण, धर्मेंद्र सिंह, नागेंद्र कुमार सहित कई ग्रामीण एवं श्रमिक मौजूद थे। देखिए, श्रम संसाधन विभाग की तरफ से हम आए हुए हैं। यहाँ पे जो श्रमिक है उन लोगों को श्रम विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके बारे में पता नहीं है। लेबर कार्ड चलाया जाता है, यहाँ के लोगों का निबंधन बहुत कम हुआ है इसलिए आए हैं। ऊपर से ई श्रम का जो है अभी बहुत जोर से पूरे भागलपुर या पूरे बिहार में बोलिए पूरे जोर से निबंधन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कम डाटा है। इस वजह से इन लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। कितने लोगों का आज सर यहाँ निबंधन हुआ है? यहाँ पे आज 16 लोगों का हुआ है, 16 लोगों का निबंधन हुआ है। और यहाँ के लोगों को जागरूक करके ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी श्रमिक हैं उन लोगों को योजनाओं का लाभ और इस श्रम का भी जो निबंधन है वो भी करवाना है। माँ आनंदी फाउंडेशन की ओर से भागलपुर के जयप्रकाश उद्यान स्थित योगाश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फाउंडेशन के संस्थापक प्रिया सोनी ने दिव्यांग जनों के लिए व्हीलचेयर, कपड़े, किताब, कॉपी, सिलाई मशीन एवं जरूरतमंद लोगों के लिए कई सामग्री का वितरण किया। इस दौरान संस्था की कंचन कुमारी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर दिव्यांगजनों को कार्यक्रम में व्हीलचेयर एवं सिलाई मशीन प्रदान किया, जबकि मोहन राय ने भी किताब कॉपी देकर बच्चों को शुभकामनाएं दी। मौके पर राजेश भगत, शंभू प्रसाद भगत, सोनी पांडे, मृदुला घोष समेत संस्था से जुड़े कई सदस्य और आम लोग मौजूद थे। आज हम सभी यहाँ मानंदी संस्था की ओर से कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे तो इस तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ हमेशा होते रहती है। कभी क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूशन पे होते हैं, कभी फूड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, पर आज के ये कार्यक्रम जो है ये कंचन जी के जन्मदिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। कंचन जी की तरफ से आज हमारी संस्था की महिलाएं को, जो कि एक दिव्यांग महिला है और इनके जो हस्बैंड है वो थोड़ी मेंटल है और इनकी बच्ची 3 बेटियाँ हैं, उनके जीवन यापन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने कंचन जी की तरफ से आज व्हील चेयर उनको दिया जा रहा है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहे हैं। मोहन भाई साहब जो कि हमारे संस्था के सदस्य हैं वो यहाँ नहीं आए हैं, उनके तरफ से ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। एक हमारी बेटी, हमारी संस्था की बेटी कह सकते हैं, उनकी आइज डिसेबिलिटीज़ हैं जो उनको बहुत प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए हम लोग इंटर सेकेंड ईयर की बुक्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में रक्त रंचित हुई गंगा, ड्रेजिंग मशीन से कटकर दर्जनों भैंस समेत 2 चरवाहे की मौत, गंगा घाट पर मचा कोहरा। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जयंती पर निकाला गया जुलूस, ए मोहम्मदी सच्चा दलीसी ने मांगी मुल्क में अमन चैन की दुआ। जुलूस के दौरान भागलपुर में सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, पुलिस अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। फसलों की सुरक्षा के लिए खेत गए किसान की अपराधियों ने की हत्या, सोए अवस्था में मारी गोली। और अमरपुर में सड़क किनारे मिला जीजा साली का शव, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटे पुलिस।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।